बांग्लादेश के खिलाफ 30 अगस्त से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट के लिए जब पाकिस्तान ने 12 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया तो हर कोई चौंक गया। चौंकने की वजह थी शाहीन अफरीदी का पाकिस्तानी टीम से गायब होना। शाहीन अफरीदी को रावलपिंडी में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है और इसकी जो वजह पाकिस्तानी टेस्ट टीम के हेड कोच ने बताई है वो सच में चौंकाती है। जेसन गिलेस्पी ने बताया है कि शाहीन अफरीदी से बातचीत करने के बाद ही उन्हें टीम से बाहर किया गया है। शाहीन अफरीदी को बाहर करने की वजह जेसन गिलेस्पी ने जो बताई उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। जेसन गिलेस्पी ने कहा कि शाहीन अफरीदी दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, हमारी शाहीन से अच्छी बातचीत हुई है और वो इस फैसले के पीछे की वजह को समझते हैं। शाहीन को हमने कुछ फीडबैक दिया है, शाहीन कुछ चीजों पर काम कर रहे हैं और वो अपनी गेंदबाजी को और भी धारदार बनाने की प्रक्रिया में है। मतलब पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हेड कोच ने साफ तौर पर कह दिया है कि शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी में कुछ खामियां हैं जिसे इस खिलाड़ी ने खुद भी मान लिया है। शाहीन अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में बुरी तरह नाकाम रहे थे। उन्होंने पहली पारी में 2 विकेट के लिए 88 रन खर्च किए थे। 2 विकेट भी उन्हें तब मिले जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हरा दिया था। शाहीन सिर्फ इस टेस्ट में ही नहीं बल्कि इससे पहले वनडे और T20 में भी अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। वैसे बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान शाहीन अफरीदी का एक वीडियो वायरल भी हुआ था जिस पर काफी ज्यादा बवाल भी हो गया। मैच के दौरान जब पाकिस्तानी टीम हडल बनाकर खड़ी थी तो शान मसूद ने उनके कंधे पर हाथ रखा और फिर शाहीन ने कप्तान का हाथ ही झटक दिया। इस वीडियो को देख ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाहीन और मसूद के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तो ये अफवाह भी चल रही है कि दोनों के बीच ड्रेसिंग रूम में हाथापाई तक हुई थी, लेकिन ये कितना सच है ये कहना तो अभी मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।